नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, सस्य वैज्ञानिक भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से आपसे चर्चा में हूँ। और मैं आपको आज बताऊंगा कि सोयाबीन की फसल में खरपतवार प्रबंधन कैसे करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सोयाबीन की फसल में खरपतवार प्रबंधन वो बहुत ज़रूरी है, और यदि आप समय पे खरपतवार प्रबंधन नहीं करते हैं या किसी कारणवश बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं तो आपका उत्पादन है वो 25 से 85% तक गिर जाता है। तो इसलिए सोयाबीन की फसल में 30 से 45 दिन का जो टाइम होता है बुआई के बाद में, वो खरपतवार प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उस समय के अंदर सोयाबीन की फसल के अंदर है वो खरपतवार रहित होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यदि आप हाथ से खरपतवार निकाल रहे हैं या हैंड वीडिंग की विधि से आप खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं, तो एक तो 20 दिन पे बुआई के 20 दिन बाद या दूसरा बुआई के 40 दिन बाद, दो बार है वो हाथ से सोयाबीन की फसल से है वो आप खरपतवार को निकाल सकते हैं। उसके बाद में यदि आप जो खरपतवार नाशक हैं, जैसे बाजार में बहुत सारे खरपतवार नाशक उपलब्ध हैं, वो भी आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बुआई के 10 से 12 दिन बाद में जो खरपतवार नाशक हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें प्रमुखतः क्लोरीम्यूरोन इथाइल 25 WP और 36 ग्राम पर हेक्टेयर, दूसरा है बेंटाजोन 48 SL 2 लीटर पर हेक्टेयर। ये जो खरपतवार नाशक हैं इनको आप बुआई के 10 से 12 दिन बाद है इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके खेत के अंदर है वो खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है।